सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मैं अपना ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ, यानी कि अपने करवा चौथ के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज की जो डेट है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ आज की डेट। आप लोग देख सकते हैं आज है क्या हुई फ्लैश से 30 अक्टूबर है आज, और अभी इतना टाइम हो रहा है। तो अभी मैं कर रही थी करवा चौथ की तैयारी। तैयारी क्या मतलब, चीज़ें देख रही थी कि क्या मेरे पास चीज़ें हैं जिनको मैं यूज़ करूँ। क्या मैं अपने लिए कुछ भी लेके नहीं आई हूँ इस बार। मैं सारा जो भी मेरे पुरानी ड्रेस है वही वेयर करूँगी, और चूड़ी वगैरह सारे वही वेयर करूँगी, क्योंकि मेरे जो हाथ हैं बहुत मोटे हो चुके हैं और चूड़ियाँ तो बिल्कुल भी आने को नहीं है मेरे हाथों में, और साथ में ड्रेस भी मेरे को फिट नहीं आएगी। तो इसलिए जो मेरी ड्रेस हैं, मतलब पुरानी ड्रेस है, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत मोटी थी, तो तब की ड्रेस में भी मुझे आ जाए। तो अभी मैं नया ड्रेस लेके, मेरे को लगता नहीं कि कोई फ़ायदा है, क्योंकि बाद में उन ड्रेसों ने मुझे आना नहीं है। तो इस वजह से अभी मैं पुरानी ड्रेस ही अपनी वेयर कर रही हूँ। तो कुछ कुछ सामान मैं अभी देख रही हूँ कि कौन सी चूड़ियाँ मुझे पहननी है, कौन सी नहीं पहननी है, और मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ, तो कुछ आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो अभी तो मैंने यहाँ पर ना ये निकाली हुई हैं चीज़ें, ये शिवानी को देने के लिए, इसमें बिंदी चूड़ी वगैरह है, और ये अपनी सास को देने के लिए, उनके लिए एक साड़ी ली हुई है, और ये जो चीज़ें होती हैं, और ये मैंने निकाली हैं अपने लिए, कि मैं सोच रही हूँ इस बार गोल्ड के ना पहन के सिर्फ कानों के ही यही इयररिंग पहनूंगी, क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं है पहनने का कोई भी चीज़ का, तो इयररिंग यही पहनूंगी। और ये चूड़ियाँ मैं लेके आई थी अभी जब शिवांश का मुंडन था, उस टाइम पर अपने लिए लेके आई थी, तब तो मेरे हाथों में बिल्कुल फिट आ रही थी, बट अभी बहुत टाइट हो चुके हैं ये, फिर भी आ रही हैं, तो मैं इन्हीं को पहनूंगी इस बार। और मैं सोच रही हूँ कि इनके बीच में मैं कुछ चूड़ियाँ मिक्स करूँ कांच की। वैसे ये तो कांच की नहीं है, ये आप देख सकते हो, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये इस चीज़ की है, बट काफ़ी अच्छी लगी। तो ये मैं इस बार वेयर करने का सोच रही हूँ, और इनके साथ मुझे कौन से पहनने हैं चूड़ियाँ वो मैं देख रही हूँ अभी। तो ये सामान तो मैंने भी साइड रखा है, क्योंकि देने के हैं सामान, और ये मैं खुद पहनूँगी। और ये सेट निकालते हैं, मैंने ये मेरे सेट हैं कुछ जो कि मैं पहनने वाली नहीं हूँ। यहाँ पे मेरा चूड़ा है, ये चूड़ा भी मेरे को फिट नहीं आ रहा है, ये भी मैं साइड रख रही हूँ। और अभी मैं आपको और पिटारा निकालती हूँ अपने। सो डंडना डंडन निकल चुके हैं मेरे तीन पिटारे, और इन तीनों पिटारों के अंदर मैं आपको दिखाऊँगी बहुत सारी मेरी बतेरी चूड़ियाँ हैं। और ये कुछ मेरी शादी के चूड़े हैं, कुछ मैंने जब मेरी फर्स्ट करवा चौथ था उस टाइम पर हस्बैंड ने मुझे दिलाए थे, तो उस टाइम के चूड़े हैं ये, क्योंकि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, इनको भी देखूंगी अभी। और इसमें है मेरी कांच की चूड़ियाँ, ये देखिए बहुत सारी चूड़ियाँ, बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। कुछ मेरे लहंगे के साथ की हैं, कुछ मेरी साड़ियों के साथ की हैं, कुछ मेरे देवर की शादी में मैंने पहनी थी कुछ वो हैं, कुछ मेरी शादी के टाइम के हैं। शादी के टाइम, शादी को 9 साल हो गए, बट अभी तक, शादी को मेरे 9 साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरे जो ये चूड़ियाँ हैं, मतलब ये वाली मंगल स्नान टाइम की, अभी तक ऐसी की ऐसी हैं, क्योंकि मैंने हर चीज़ संभाली हुई है। और वैसे भी मैं कांच की चूड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, अच्छा लगता है पहनना, बट मेरे हाथ पे बहुत कम सूट होते हैं कांच की चीज़ें, तो इसलिए मैंने बहुत कम पहनी है कांच की चूड़ियाँ। तो ये अभी तक 9 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और तब से ये अभी तक मेरे पास ऐसी की ऐसी हैं। तो आज देखती हूँ इनमें से कौन सी चीज़ें मेरे हाथ पे फिट आती हैं, उनको मैं पहनूंगी। तो दूसरा डिब्बा भी मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या है। तो ये डिब्बा तो मैं बंद कर देती हूँ, और अब खोलते हैं ये वाला डंडा डंडन। इसमें भी कुछ कुछ चूड़े हैं, कुछ चूड़े मैंने यूज़ कर लिए हैं जो मेरे बाहर चूड़ियों के स्टैंड में हैं। तो ये कुछ चूड़े, मतलब उसके अंदर वाले जो होते हैं ना रेड, वो मैंने यूज़ कर लिए। हाँ, ये मेरी शादी के टाइम के हैं कुछ, तो वो मैंने यूज़ कर लिए हैं, और ये वाइट वाइट ही बचे हैं इसमें, बट ये भी मुझे लगता है टाइट होंगे मुझे। ये देखो, एक टाइम इनका भी था, इनका टाइम था 2017, 16, 18, पता नहीं कौन से सन में था, ये तब के लिए हुए हैं, और ये भी तब से नहीं पहना है, ऐसे कैसे हैं, देखते हैं आगे काम आएंगे। तो बाकी हाँ, जो ये कंगन है दोस्तों, इनसे ना मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। यादें बोले तो ये कंगन जो हैं, यादें बोले तो ये कंगन जो हैं, ये मैं ना 2014 में बद्रीनाथ गई थी, तो बद्रीनाथ मंदिर में
मतलब मेरा उस टाइम पे सेकंड टाइम गई थी मैं बद्रीनाथ मंदिर, तब मेरी शादी नहीं हुई थी 2014 में, तब के मेरे को ये पसंद आए थे, तब मैंने ये लिए थे। और यही चूड़े मैंने, यही दो कंगन मैंने अपने रिसेप्शन में पहने थे, अपनी शादी रिसेप्शन में। यहाँ पे मेरे पास फोटो है, अगर उसमें क्लियर दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यही पहनते हैं और अभी तक ये ऐसे के ऐसे ही, और मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छे लगते हैं और मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास ऐसे ही रहें। तो चलो बाकी तो यही हैं, बतरे बतरे हैं। देखो कुछ कुछ मैंने यूज़ भी कर रखे हैं ना, कुछ कुछ ख़राब से भी हो गए हैं। तो सोच रही इस बार कुछ ऐसे ही पहनूँ सेट, ऐसे कोई सेट बना के पहनूँ। बाकी देखते हैं क्या पहनते हैं, कुछ तो मुझे ये लग रहा ना इनमें ये मैच हो जाएंगे, है ना। देखते हैं मैच हो जाते तो मैं इनका करती हूँ, कुछ नहीं होंगे तो फिर देखती हूँ। ये हो गया, तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं आपको बोला था रिसेप्शन में मैंने कहाँ गए ये पहने थे, तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ अपने फ़ोटो में। तो यहाँ पे है मेरी रिसेप्शन की फ़ोटो। तो इसमें अगर आप लोग, ये फ्लैश हो रहा है, फ्लैश लाइट जलाई है, तो इसमें अगर आप ना नोटिस करोगे, ये देखो मैं दिखाती हूँ, पहले मैं आपको दिखा, ये वाला देखो, ये वाला ये दिख रहा है आपको, तो ये वाला कंगन है वो अभी तक ऐसे कैसे पड़ा मेरे पास, मैंने अपने रिसेप्शन में पहनी थी वो। तो ये मेरा रिसेप्शन का लुक है 2015 में। और अब मैं खोलती हूँ इस पिटारे को, अरे खुल जा भाई, कहाँ से खुलता है, एक मिनट में पहले खोलती हूँ इसको। सो फाइनली ये खुल चुका है। अब इसमें ना चूड़े, पहले ऐसे चूड़े होते थे देखो अंदर से वाइट वाइट, अब तो कहाँ ऐसे होते हैं, अब तो पूरे जैसे रेड हैं, तो रेड। तो ये चूड़े भी हैं, ये मैंने यूज़ किए हुए हैं, अरे इनका तो कलर ही निकल गया, देखो ख़राब से हो गए। तो देखो कलर चढ़ गया इन पे, कैसा कलर हो गया इनका, बट वही है, कब पहनो इनको समझ में तो आता ही नहीं है कब पहनो। अब धीरे धीरे मुझे पहनने पड़ेंगे सारे, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। देखो इनमें ग्रीन कलर से चढ़ गया है, मे बी ये गीले थे ख़राब हो गए। चलो देखते हैं, तो ये चूड़े भी हैं, तो अभी मैं देखती हूँ पहले, तो अभी मैं देखती हूँ पहले इन कड़ों को सेट करती हूँ किसके साथ ये मैच होते हैं, फिर मैं अपना सेट बना के आपको दिखाती हूँ कि कौन से साइड में करवा चौथ पहनने वाली हूँ। और मैं सोच रही थी कि इसको करवा चौथ का ब्लॉग बनाऊँ आगे, लेकिन ये ब्लॉग तो मुझे लग रहा है मेरी इन तैयारियों का ही हो जाएगा। और ड्रेस मैं कौन सी वेयर कर रही हूँ वो ड्रेस मैं आपको दिखा दूँगी। वो ड्रेस एक्चुअली अभी मैंने प्रेस करने के लिए दी हुई है, गाउन है, मतलब फ्रॉक सूट बोल सकते हैं आजकल, नॉर्मल है, कोई चमकीला धमकीला कोई वैसा हैवी नहीं है, बिल्कुल लाइट है, लाइट वेट का है, वो मैंने प्रेस करने को दिया हुआ है। जब आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी ये मैं पहनूँगी। और रात के लिए भी मैंने एक साड़ी निकाली हुई है, जो रात करवा चौथ के दिन रात में मैं साड़ी पहनूँगी, तो वो भी मेरी पुरानी साड़ी है, क्योंकि ब्लाउज़ मेरे को बिल्कुल फिट नहीं आ रहा कोई भी, तो वो ब्लाउज़ जो है वो पहले का है, तो थोड़ी मैं उस टाइम मोटी थी, तो वो उस टाइम का मेरे को आ जाएगा, मतलब ज़बरदस्ती डाल के तो आ ही जाएगा। तो इसलिए मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया अपने लिए कि अलग से कुछ चीज़ें लूँ कुछ करूँ, क्योंकि मुझे था कि बाद में मैंने पतला होना ही है, तो फिर फ़ायदा क्या है फिर अभी से कोई चीज़ कोई नई चीज़ें बना के जोड़ के रखने की, फिर बाद में वो पहनी ना जाए। तो इसलिए मैंने इस बार कुछ भी नया नहीं लिया है। तो चलो मैं थोड़ा चूड़ियों का सेट करती हूँ कि कौन सी चूड़ियाँ उसके साथ इसके साथ मैच होती हैं, क्योंकि मुझे इनके साथ मैच करनी है। तो देखती हूँ कौन सी चूड़ियाँ इसके साथ मैच होती हैं, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये मैंने सेट बना लिया है, इसके साथ मेरे ना जो कंगन थे पहले वाले, तो उन सब कंगनों को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और आगे पीछे से ऐसा कर दिया है, सारे कलरफुल बना दिए मैंने इस बार, तो ये सारे तो आ ही जाएंगे मेरे हाथों में। तो एक सेट ये बना रखा है इसका, और एक सेट है ये दूसरे हाथ के लिए। बाकी करवा चौथ में देखना आप कैसा हमारा लुक लगता है ये सब कुछ पहन के, और ज़रूर बताना कैसे मैं लगूंगी। तो चलो अभी की तो इतनी शॉपिंग है, आगे जो भी आता आपको दिखा दूंगी वीडियो में। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे खाना खाने के लिए, टाइम 2 बज चुके हैं और खाना मतलब खाना भूख लग गई, तो इसलिए खाना खाने के लिए नीचे जा रहे हैं। तो आगे जो भी होगा इस वीडियो को मैं करवा चौथ के साथ अटैच नहीं करने वाली, मेरे को लगा था मैं इसको करवा चौथ के साथ करवा चौथ वाले ब्लॉग में अटैच करूंगी, बट मुझे नहीं लगता कि ये फिर बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए
इस वीडियो को मैं आज ही एंड कर दूंगी, यानी कि 30 अक्टूबर को ही एंड कर दूंगी। तो मैं खाना खा के आती हूँ, फिर आप लोग को मिलती हूँ। सो दोस्तों, मैं खाना पीना खा के आ चुकी हूँ और मैंने अपने ड्रेस भी चेंज कर लिया, क्योंकि पूरे क्योंकि बर्तन धोते टाइम जो मेरी ड्रेस थी उसमें बहुत सारा पानी गिर गया था, तो इसलिए मैंने वो चेंज कर लिया अभी। और अभी टाइम मैं आपको दिखाऊँ तो आप टाइम देख सकते हो, वो देखिए 2:30 बज रही हैं। और अब मैं थोड़ा सा सोऊंगी, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को एंड भी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस ब्लॉग में क्या ही दिखाऊँ आपको। तो मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ जो मैं करवा चौथ के दिन साड़ी पहनने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सस्पेंस नहीं रखना है। क्या सस्पेंस रखना है, करवा चौथ का ब्लॉग भी आप लोगों ने देखना है, तब भी आप लोग देख ही लोगे कि मैं क्या पहनूंगी। तो मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ, मैं कौन सी साड़ी पहन रही हूँ। तो ये है मेरी साड़ी, मे भी आप लोगों ने देखा होगा मेरी इस साड़ी को। मैंने पहले गाँव में एक ब्लॉग बनाया था जब मैं गाँव गई थी, तो तब मैंने ये साड़ी ली थी। तो प्लेन से साड़ी है, सिंपल साड़ी है, नीचे बस बॉर्डर है ये, बाकी पूरी प्लेन साड़ी है। और पल्लू भी इस तरीके का है। इसका लुक आप लोग उस दिन देख लेना जिस दिन मेरा करवा चौथ वाला ब्लॉग आएगा। ये साड़ी है, ये इसका ब्लाउज़ है रेड कलर में, बस एक यही ब्लाउज़ है जो मुझे थोड़ा सा फिट आ रहा है, मतलब पूरा फिट नहीं आ रहा, प्रॉपर फिट नहीं है, पर थोड़ा सा फिट है। तो ये ब्लाउज़ है और ये है मेरा पिछोड़ा, यानी कि पहाड़ी पिछोड़ा जो कि पहाड़न डालती हैं। तो अभी ये उल्टा है, तो ये पिछोड़ा मैं इसके ऊपर वियर करूँगी और ये मैं पहनूँगी रात को, करवा चौथ वाले दिन रात को जब चाँद निकलेगा। दिन में क्या पहनूँगी वो मैंने आपको जैसे बता दिया कि मैंने एक गाउन मतलब फ्रॉक सूट जो होती है बिल्कुल हल्की वो पहनूँगी, तो वो भी मैंने प्रेस करने को दी है। वो आपको मैं करवा चौथ वाले ब्लॉग में आपको दिख जाएगा वो क्या पहना है मैंने। तो उसमें भी मैं पिछोड़ा लूँगी क्योंकि चुन्नी उसमें क्योंकि उस तो उसमें भी मैं पिछोड़ा लूँगी। और कैसा कैसा मेरा लुक रहेगा आप लोगों को वो मेरा करवा चौथ वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। बाकी मेरा फेस की हालत आप लोग देख सकते हैं, फेस पे मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया, मतलब इस बार तैयारी ही नहीं की कि करवा चौथ की मैं ये तैयारी करूँ वो तैयारी करूँ, कुछ भी मैंने तैयारी नहीं की क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं है। ऊपर से बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है कि कुछ भी करूँ, ना मैंने इस बार थ्रेडिंग, ना मैंने इस बार कोई फेशियल किया, ना ब्लीच किया, ना कुछ किया, ना कुछ किया, बस थोड़ी थ्रेडिंग बनाई हुई है। और फेस की हालत आप लोग देख सकते हैं, बालों पे भी मैंने कुछ नहीं किया है, बस कल हेयर वॉश करूँगी और कल खुद ही घर में अपने बालों को स्ट्रेट कर दूँगी। तो कल मैं सोच रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए, यहाँ पे हमारे मतलब घर के पास सलून है एक, तो वहाँ पर मेहंदी वाले बैठे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हीं से लगवा लूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं है खुद मेहंदी लगाने की, तो उन्हीं के पास जाऊँगी और वहाँ से मेहंदी लगा के आ जाऊँगी। तो कल का भी मैं थोड़ा थोड़ा शूट करूँगी ताकि मैं आप लोग को दिखा दूँ कि कल कैसे वो भैया लोग मेहंदी लगा रहे हैं। तो चलो दोस्तों, अब ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, सोती हूँ और आप लोगों को मिलूँगी अपने करवा चौथ वाले ब्लॉग में। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग, आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी जो ये पूरी करवा चौथ की तैयारी है पसंद आई होगी, कुछ खास तो मैंने दिखाया नहीं, बट जितना भी है आप लोग को पसंद ज़रूर आएगा। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय।